नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, द बिग बुल, द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट, शेयर मार्केट का बादशाह, इन सारे नामों से जाना जाता था राकेश झुंझुनवाला को। हालांकि रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला का राजस्थान के झुंझुनू से भी नाता जुड़ा हुआ है। उनको झुंझुनवाला सरनेम यहीं से मिला और उनका असल सरनेम अग्रवाल था, जो बाद में झुंझुनवाला हुआ। झुंझुनू के रहने वाले सीएम मनीष अग्रवाल ने बताया कि राकेश झुंझुनवाला के परदादा और दादा झुंझुनू से 30 किलोमीटर मलसीसर के रहने वाले थे, लेकिन 100 साल पहले झुंझुनवाला के दादा और परिवार समेत कानपुर चले गए थे। राकेश के दादा सिल्वर के कारोबारी थे और उस समय कानपुर में उन्होंने सिल्वर किंग से नाम से पहचान बना ली थी। इसी बीच राकेश के पिता राधेश्याम इनकम टैक्स ऑफिसर बने और मुंबई में बस गए। दोस्तों, राकेश के दादा और पिता का झुंझुनू से गहरा लगाव था। यही कारण रहा कि पिता ने सबसे पहले अपना नाम राधेश्याम झुंझुनवाला रखा। इसी सरनेम को राकेश ने भी अपनाया और अग्रवाल सरनेम की जगह अपने पिता की तरह वे भी झुंझुनवाला लगाने लगे। दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला और उनके छोटे भाई राजेश झुंझुनवाला के परिवार झुंझुनू से किसी न किसी बहाने जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि परिवार अक्सर कुलदेवी रानी सती के दर्शन के लिए यहां आता रहता है। दोस्तों, 7 महीने पहले जनवरी फरवरी में राकेश झुंझुनवाला की पत्नी रेखा, छोटे भाई राजेश और उनका परिवार झुंझुनू आया था और उनका परिवार यहाँ राणा सती मंदिर में दर्शन किया था। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सीए मनीष अग्रवाल ने बताया कि राकेश भी एक बार मंदिर आए थे और झुंझुनवाला का परिवार हर साल मंदिर की वार्षिक पूजा में शामिल होता है। बता दें कि रानी सती माता अग्रवालों की कुलदेवी है। सेठ मोतीलाल कॉलेज के सचिव जीएल शर्मा बताते हैं कि झुंझुनवाला के परिवार की करीब 70 से 80 साल पहले यहाँ हवेली हुआ करती थी, जिसे बाद में केडी परिवार को बेच दिया गया। अब उस जगह केडी मार्केट बना है। दोस्तों, अब उनकी झुंझुनू में कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन परिवार का जुड़ाव काफी है और यही वजह है कि झुंझुनवाला का परिवार यहाँ के लोगों की मदद करता रहता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से राकेश अग्रवाल का नाम राकेश झुंझुनवाला पड़ा। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आप राकेश झुंझुनवाला के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट राकेश झुंझुनवाला को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।